हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्ट्रैड योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 7 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनी ऑनेक्स हैज़ बीन अवार्डेड द नोबल प्राइज इन विच फील्ड। तो एनी ऑनेक्स को किस फील्ड में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिटरेचर। एनी ऑनेक्स हैज़ बीन अवार्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर। तो एनी ऑनेक्स को लिटरेचर में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबल प्राइज इन लिटरेचर फर्स्ट अवार्डेड 1901, रिवॉर्ड 1 मिलियन, प्रेजेंटेड बाय स्वदेश अकेडमी। तो फर्स्ट टाइम इस अवार्ड को दिया गया था 1901 को। इस अवार्ड को इस बार प्रेजेंट किया है स्वदेश अकेडमी द्वारा और इसमें एक गोल्ड मेडल भी मिलता है। फर्स्ट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर वोन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम नोबल प्राइज 1931 में दिया गया था लिटरेचर में, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कलेक्शन गीतांजलि के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एम्स। तो पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एम्स का उद्घाटन किया है? धर्मशाला, बिलासपुर, शिमला, मनाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिलासपुर। पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एम्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एम्स का उद्घाटन किया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला समर में और विंटर कैपिटल धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द कंट्रीज सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किस प्लेस में कंट्री की सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? नागपुर, पुणे, पुरी, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुरी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द कंट्रीज सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन पुरी। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में कंट्री की सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एमर्जेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो कौन सी कंट्री शुगर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर इमर्ज हुई है? चाइना, इंडिया, भूटान, रशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया हैज़ एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो इंडिया शुगर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन के रूप में किसे डिक्लेयर किया गया है? पंकज त्रिपाठी, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, नागेश सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अनूप चंद्र पांडे हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। पंकज त्रिपाठी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पंकज त्रिपाठी इंडिया के इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 240 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट ₹2000 crore इन विच सिटी। तो अमित शाह ने किस सिटी में 2000 करोड़ के 240 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनोग्रेट किया है? जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, बारामूला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीनगर। अमित शाह इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 240 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट ₹2000 crore इन
श्रीनगर। तो अमित शाह ने श्रीनगर में 2000 करोड़ के 240 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन का इनोग्रेट किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर आल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो इस ओकेजन पर हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी प्रेजेंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन अक्टूबर। तो रिसेंटली अक्टूबर में एमडी और चेयरमैन के रूप में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अनिल कुमार, अनिल चौहान, के सिवन, संदीप कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो संदीप कुमार गुप्ता को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इनकोवेशन विल बी सेटअप इन विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन वेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन किस इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाएगा? एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनआईटी श्रीनगर। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन विल बी सेटअप इन एनआईटी श्रीनगर। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन वेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन एनआईटी श्रीनगर में सेटअप किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द FIH मैंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में FIH मैंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, ल्यूस हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश हैज़ बीन अवार्डेड द FIH मैंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन अक्टूबर 2022। तो PR श्रीजेश को अक्टूबर 2022 में FIH मैंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और वुमेन्स में किया गया है सबिता पूनिया को। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। मिलता है विशाल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।